हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो टैली ईआरपी 9 की है। देखिए, एक सवाल मेरे सामने आया है, वो ये है कि सर मेरे में वैट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कितना भी पुराने से पुराना वर्जन है, अगर आप जो है टैली यूज करते हैं, तो आप टैली ईआरपी 9 भी चलाते हैं, तो उसमें भी टैली में वैट तो एक्टिवेट कम से कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंपनी बनाते हैं, तो क्रिएट कंपनी पे चलते हैं, वैट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे टैली ईआरपी 9 यूज कीजिए, ठीक है, या टैली प्राइम। प्राइम में तो कोई संदेह ही नहीं है कि वैट है कि नहीं है, लेकिन ईआरपी 9 में भी वैट मिलेगा आपको। वैट तो पहले से लग रहा है, ठीक है। मैं इस कंपनी को नाम दे देता हूँ वैट एट द रेट 5%, इसी नाम से कंपनी ही बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे न्यू कॉलोनी देवरिया दे देता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया ये एड्रेस है। एंटर करेंगे ये कंट्री का नाम, और यहाँ स्टेट का नाम आएगा तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे हम, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। अब एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया इस तरीके से। और जब एक्सेप्ट करेंगे तो एक नई विंडो यहाँ पर इस तरीके से आएगी। ये गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू है, ठीक है। अब टैली की मेन मेन्यू में अब हमें वैट एक्टिवेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर तो वैट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आपको कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। क्या करना है? F11। जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जा करके आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको GST दिखाई देगा। अगर आपका जो टैली ईआरपी 9 है वो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 6 पॉइंट के ऊपर का अगर वर्जन होगा, जैसे कि मेरे में है, तो उसमें आपको GST भी दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें वैल्यू एडेड टैक्स को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ से यस करिए, एंटर करिए। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, और यहाँ पे मैं यस करके एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वाई प्रेस करके एंटर करिएगा। यहाँ पर आपको अपना टिन नंबर वगैरह डालना रहता है, और यहाँ पर टैक्स की रेट की डिटेल को अल्टर करिएगा। यहाँ 5% कर दिया, एडिशनल टैक्स 2% कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी यस कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये हमारा वैट चालू हो जाता है। अब जब आप परचेस करेंगे तो उस पर वैट आप लगा सकते हैं, या सेल करेंगे तो वैट आपको लगा हुआ मिलेगा। कैसे? देखिए, परचेस करते समय ही लगा देंगे तो सेल्स में अपने आप वैट लग जाएगा। तो ये आए, एंटर किया, और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, रेगुलर रख देंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे और ये रेगुलर रख करके एंटर करेंगे और यहाँ पर आएगा परचेस का लेजर। तो यहाँ PURCHASE Alt C करके बना लेंगे परचेस का लेजर। तो ये परचेज का लेजर हो गया, और ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, और एंटर करके, और यहाँ पर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलिए छोड़िए, इसको चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर एक मैं बना लेता हूँ पल्स, ठीक है। अब पल्स जो है यहाँ पे यूनिट बनाना कंपलसरी है, तो अल्ट सी करके यूनिट बनाएंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं फॉर्मल नेम में, सिंबल में केजी कर देते हैं, फॉर्मल नेम में किलोग्राम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किलोग्राम, और यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं। और यहाँ पर सेम रेट जो है हम रहने देने वाले हैं, ठीक है। 5 किलो दाल परचेस किया गया, कितने रुपए की दर से? 70 रुपए की दर से बेचेंगे, तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे। अब यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करना होगा, अल्टी करके वैट एट द रेट 5%, ठीक है। तो ये 5% का वैट लगाया जा रहा है यहाँ पे। ये वैट का जो ग्रुप होगा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए वैट नजर आ जाएगा आपको, तो बस एंटर करके यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। देखिए वैट आ गया। अब एडिशनल टैक्स की बात है, तो एडिशनल टैक्स भी कर देते हैं, तो यहाँ पे एडिशनल टैक्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे AD और यहाँ पे TAX कर देता हूँ, ये भी हमने एक्टिवेट करा था। अब यहाँ पे देखिए ऊपर एडिशनल टैक्स आ रहा है, तो ये भी लगा दिया हमने, और ये नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे भी लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर एडिशनल टैक्स और वैट दोनों आ चुका है, और यहाँ पर एंटर करके इसे चाहे तो आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। इस तरीके से वैट आपको दिखाई तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।